अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में पायल, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा धोखा किसी की पूरी जिंदगी खराब कर सकता है। क्यों नहीं सोचा तुमने हमारे बारे में? तुमसे प्यार नहीं करते थे हम, तुम्हारा ध्यान नहीं रखते थे हम, जो तुम्हें चाहिए था वो लाके नहीं दिया हमने तुम्हें। पार्थ हमारी बात सुनो, जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है हमारे और तरुण के बीच में। झूठ, एक और झूठ। तुमने हमारा भरोसा तोड़ा, हमारा विश्वास तोड़ा तुमने पायल। तुम्हारी एक स्माइल पे सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार थे ना हम, फिर क्यों दिया हमें धोखा पायल? क्यों पार्थ? नहीं, क्यों किया तुमने ऐसा? पार्थ 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 पीछे हटो। क्यों धोखा दिया तुमने? पार्थ मेरी बात सुनो। बोलो। चल घर चल के बात करते हैं। लोग कहते हैं टूटे हुए दिल में आवाज नहीं होती, गलत कहते हैं लोग। ये जो हम चिल्ला रहे हैं ना, ये उसी टूटे हुए दिल की आवाज है पायल। पार्थ तू मेरी बात नहीं सुन रहे। पार्थ नीचे चलो, नीचे चल के बात करते हैं ठीक है भाई। इसलिए हमारा दिल तोड़ा है भाई, धोखा दिया इसलिए हमें। क्या नहीं किया हमने तुम्हारे लिए? अरे सच्चा प्यार करते थे तुमको हम, लेकिन तुम हमें जरूरत की नजर से देखती थी। घूमना जाना पार्थ को बोल दो, मूवी देखनी है पार्थ को बोल दो, शॉपिंग करनी है पार्थ को बोल दो। अब सिर्फ तुम्हारी जरूरत है भाई, जरूरत। बहुत हो गया इसका नाटक पायल, यही मौका है इससे हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़वाने का। ठीक है पार्थ, मैं बात करता हूँ पायल से ठीक है। हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। तुम यही डिजर्व करते हो समझे? क्या प्यार प्यार लगा रखा है हाँ? तुमने हमारे लिए आज तक किया ही क्या है? I love you, पायल। तेरी हिम्मत कैसी हुई पायल के कपड़ों के बारे में बोलने की? हमें आज हॉस्टल की फीस भरनी है और हमारे पास पैसे नहीं है। ये मुकाबला तुम्हारे नाम पायल। वैसे तुम्हारे जन्मदिन पे तो हम अपनी जान भी दे दें, लेकिन क्या है ना कि आज तुम इस स्मार्ट वॉच से काम चला। और बात करते हो जरूरत की। पायल प्लीज चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो, हम नीचे चल के बात करेंगे ठीक है। अभी प्लीज चुप हो जाओ, अभी नीचे चलो भाई, बोलने दो उसे, ये हम दोनों के बीच की बात है। बोलो कितना कमाते हो तुम? हाँ सड़कों पर बाइक घुमाने के अलावा काम क्या है तुम्हारा? सोसाइटी में कोई इज्जत है तुम्हारी? हाँ? अरे अपने बाप के पैसों पर पल रहे हो पार्थ। पायल प्लीज स्टॉप इट। सॉरी लेकिन आज हम नहीं रुकेंगे। अरे मामूली से 15,000 रुपए तुम्हें अपने घर से चुराने पड़ते हैं। प्यार से पेट नहीं भरता पार्थ, उसके लिए जेब में पैसे होने चाहिए। है तुम्हारे पास? नहीं, क्योंकि अगर पैसे होते ना तो तुम हमें 2 कौड़ी की सस्ती सी चांदी की पायल नहीं बनाते। जैसे मैं चेकती हुई बहुत अच्छी लगती हूँ ना, वैसे ये पायल तुम्हारे पाँव में खनखनाती हुई अच्छी लगती है। और ये घड़ी? इस घड़ी के लिए कितनी मार खाई थी, कितनी हड्डियां तोड़वाई थी, भूल गए? खाली जेब की कोई इज्जत नहीं होती, ना ही प्यार में और ना ही समाज में। पायल मेरी बात सुनो, अभी तुम दोनों गुस्से में हो, अभी बात करके कोई सलूशन नहीं निकलने वाला। अभी नीचे चलो, नीचे चल के बात करेंगे ना। तेरी मैं दीवानी हो
गई। क्या हुआ? सच बहुत कड़वा लगा लेकिन फिर भी सुनना पड़ेगा। पायल तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? अभी बात मत करो, चलो जाओ यहाँ से। जानना चाहते हो हाँ कि हमने तुम्हें धोखा क्यों दिया? हम बताते हैं कि तुम्हारी और तरुण की कोई बराबरी ही नहीं है। उसकी और तुम्हारी औकात में जमीन आसमान का फर्क है। पायल कहाँ ना जाओ यहाँ से, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? दुपट्टा ना ऊपर वाले का आशीर्वाद है हमें, और जब तक ये दुपट्टा हमारे साथ है ना ऊपर वाले का हाथ हमारे सर पर है, हमें कुछ नहीं हुआ। पायल हम कुछ कह रहे हैं, जाओ यहाँ से। तुमने क्या कहा था हमसे? हमसे शादी करोगे, हमें पत्नी बनाओगे, वो भी 7 जन्मों के लिए? Are you crazy? तुम्हें सच में लगा कि हम तुमसे शादी करेंगे? हाँ? तुम उस लायक ही नहीं हो कि कोई लड़की तुमसे प्यार करे। पायल प्लीज बस करो, शादी तो बहुत दूर की बात है। अरे कहा ना जाओ यहाँ से पायल। अंकल जी हटिए, गाड़ी आ रही पीछे से। वो 20 साल बाद वापस आ गया है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7 बजे। लगता है इसने खुदकुशी कर ली। लगता है ऊपर से किसी ने धक्का दिया है इसे। We'll be right back.
सोसाइटी में कोई इज्जत है तुम्हारी? अरे अपने बाप के पैसे पर पल रहे हो पर? तुम्हारी और तरुण की कोई बराबरी ही नहीं, उसकी और तुम्हारी औकात में जमीन आसमान का फर्क है। तुम उस लायक ही नहीं हो कि कोई लड़की तुमसे प्यार करे। क्या कर रहे की वजह से हुआ है माँ, हर बार आप मुझे पार्क के पीछे भेजती हैं। जाओ पार्क ने लड़ाई कर ली है, जाओ पार्क ने ट्रैफिक रोक लिया है, पार्क की लड़की के चक्कर में फंस गए। अरे इसकी जिंदगी सुलझाते मेरी जिंदगी उलझ गई है। पता नहीं कैसे हो गए बेटे, क्या करूंगा मैं? गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, गलती तो हमारी है जो हमने इस जैसी औलाद को जन्म दिया है। बहुत फिक्र करती है ना आप इसकी, देख लीजिए यही आपकी फिक्र आपके बड़े बेटे गर्भ के गले का फंदा बन गया। अगर आज आप उसको पार्क के पीछे ना भेजती ना तो ये ना होता। क्या आपकी मोहब्बत आपके बेटे गर्भ के लिए परेशानी बन गई है? आज ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं। सुनो, ये मदन ठाकुर का घर कौन सा है? साहब इस तरफ है, चलो। हेलो, किसका फोन था? पापा किसका फोन था? पापा वो पुलिस को पता चल गया है कि हॉस्टल की छत पे पायल के साथ पार्थ और रामचंद्र मम्मी लेने आ रही है। मम्मी पापा पापा हमें जेल नहीं जाना, पापा हमें जेल नहीं जाना, पापा हमें जेल नहीं जाना, हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता पापा, पापा प्लीज हमें बचा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम अपने बेगुनाह बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है और सब जानते हैं कि गुनाहगार कौन है, और सजा सिर्फ और सिर्फ गुनाहगार को ही मिलेगी, बेगुनाह को नहीं, समझे?
अब कुछ नहीं हो सकता पापा, हमारे सपने, हमारी सारी मेहनत, अब सब चीज चार दीवार में होगा। पुलिस सब पता कर लेगी, पुलिस सब पता कर लेगी कि पायल की मौत हमारी वजह से हुई है। कुछ नहीं होगा, पायल के मर्डर केस के सिलसिले में हमें ठाकुर साहब के दोनों बेटे गर्व और पार्थ से पूछताछ करनी, क्योंकि पायल के मौत के वक्त वही दोनों के साथ थे। देखिए, जो कुछ भी हुआ वो एक गलती से हुआ है। देखिए, हमें पूछताछ तो करनी पड़ेगी। इस केस में सिर्फ वही दोनों चश्मदीद है, इसलिए प्लीज आप उन्हें बुलाइए, उनसे बात करके पता चलेगा कि पायल की मौत अनजाने में हुई है या उसे जानबूझकर मारा गया। हमें शक है कि शायद पार्थ ठाकुर ने ही पायल को मारा है। हमें पता चला है कि पायल और पार्थ की लड़ाई भी हुई थी। लल्ला, नहीं, दादी, दादी, आराम से, दादी, आराम से। क्योंकि पापा, हमारा घर भी गुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं होगा, हम अपने बेटे को कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं होगा, हमारी लाइफ खराब होगी। बाहर पुलिस आई है। पार्थ और गर्व भैया को पूछताछ के लिए बुला रही है। यार, मैं नहीं जाऊंगा। पार्थ, कहाँ जा रहे हो तुम? पार्थ, पार्थ, पार्थ! मम्मी, हमें जाने दीजिए। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज, चलो। मम्मी, एक आखिरी बार हम पार्थ को देखना चाहते हैं, उसके बाद नहीं देखेंगे। प्लीज, एक बार मम्मी, प्लीज, मम्मी, मम्मी। सुनिए, हमें अभी जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब अंदर से जाके सामान लेकर आइए। अब हम इस लड़की को एक पल भी यहाँ पे रुकने नहीं देंगे। मम्मी, हम पार्थ से मिलने देना नहीं जाएंगे। पार्थ, पार्थ, पार्थ! मम्मी, देखते तुम इस लड़के पार्थ से कैसे मिलती हो। जाओ, अंदर जाके अपना बैग लेकर आओ। हमें जाने दीजिए मम्मी, वरना हम अपने आप को कुछ कर लेंगे। मीरा, मीरा, बेटा, ये क्या, ये लग जाएगा बेटा। मम्मी, अरे तुम जिस लड़के से प्यार करती हो ना, वो नहीं है वो, उसने एक लड़की का कत्ल किया है। तो आप भी करिए ना हमारे प्यार का। एक हिसाब से तो खूनी आप भी हुई। हम ये मानने को हरगिज तैयार नहीं है कि पार्थ एक खूनी है। पार्थ पायल का खून कर ही नहीं सकते। पहल के लिए अपनी जान दे सकते हैं, पहल की जान ले नहीं सकते हैं।
अरे पार्थ के लिए तो पायलट की पूरी दुनिया थी, तो आप ही बताइए कोई अपनी दुनिया को तबाह क्यों करेगा भला। अरे ये लड़की पागल हो गई है, आप जाके इसका सामान लेकर आइए, इसे हम लेकर आते हैं। पार्थ 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 लगा रखे। ये मीरा अपने पार्थ को देके बिना यहाँ से नहीं जाएगी। अच्छा मीरा चलो चलो। आप दोनों उस वक्त छत पर पायल के साथ थे, तो बताइए उस वक्त छत पर क्या हुआ था। अरे कहां ले जाओ यहां से पायल। पायल इंस्पेक्टर साहब, पायल को छत से एक चीज और, आप दोनों में से पार्थ कौन है? हमें पता चला है कि पार्थ और पायल का अफेयर था। पायल हमारा प्यार है। तुम उस लायक ही नहीं हो कि कोई लड़की तुमसे प्यार करे। तो बताइए उस वक्त छत पर क्या हुआ था? पायल को छत से धक्का हमने दिया, हमने मारा है उसे।